मैं दोस्तों सिंपल वन से रिलेटेड कई सारे आप लोगों के सवाल हैं, तो इस वीडियो पे आपको क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं A to Z। मेरा नाम करण है, आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक वर्ल्ड व्हीकल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं दोस्तों सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की मैं जो है तो टेस्ट राइडिंग की वीडियो भी अपलोड कर दिया। यदि आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो लास्ट वीडियो में सिंपल वन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, जो कि मैं एक के बाद एक रिप्लाई देने वाला हूं, उसमें आपको क्या सीन होने वाला है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला कि सिंपल वन स्कूटर का टेस्ट राइडिंग कब मिलेगी। दोस्तों आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या होगा, सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर यदि आप प्री बुकिंग नहीं की तो उसको पहले करना होगा। देन आपको टेस्ट राइडिंग रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, जो कि अभी इस टाइम क्लोज है। यदि आप पहले ही रजिस्ट्रेशन कर बैठे हैं और आप इंतजार करना है कि सिंपल वन का टेस्ट राइडिंग कब मिलेगा, और आपके सिटी में टेस्ट राइडिंग फिलहाल हो भी चुकी, तो आपको मैं बता दूं कि सेकंड राउंड में अब आपको टेस्ट राइडिंग मिलने वाली है, जो कि बहुत ही जल्द फिर से डेट डिक्लेयर की जाएगी। सो सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी डेट कब है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो अभी थोड़ा डिले होने वाला है। अक्टूबर मंथ में इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा सिंपल वन स्कूटर का। इसके साथ ही जो डिलीवरी डेट स्टार्ट होगी वो दिसंबर से फरवरी मंथ के बीच में हो सकती है। मेरे को टेस्ट राइडिंग के दौरान पता चला है कि मेरे को यानी कि इंदौर शहर वालों को फरवरी मंथ में स्कूटर अवेलेबल हो जाएगा, डिलीवरी फुल एंड फाइनल हो चुकी होगी। मेरे दोस्तों इसके साथ ही कई लोगों ने ये भी सवाल किए कि पेमेंट प्रोसेस क्या होगी और इसमें EMI ऑप्शन आने वाला है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि पेमेंट प्रोसेस आपको अक्टूबर मंथ पे ही देखने को मिल सकती है। दोस्तों कई व्यूवर्स ने ये भी सवाल किया कि सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की पेमेंट प्रोसेस क्या होगी। मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर मंथ में इस स्कूटर का पेमेंट प्रोसेस जो विंडो है वो ओपन हो सकता है, और इसके साथ ही जो पेमेंट प्रोसेस होगा जैसे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में हुआ था, सेम आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। इस स्कूटर में आपको EMI का भी ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि कई सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि EMI का ऑप्शन होगा या नहीं। मैं आपको बता दूं कि इस स्कूटर को आप इंस्टॉलमेंट पे भी ले पाएंगे, जो कि इसमें जो डाउन पेमेंट है वो आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों सिंपल वन से रिलेटेड लास्ट और एंड सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यह है कि सीट इसकी कैसी है, और इसके साथ ये भी कहा गया कि ओला से छोटी है या बड़ी। बस दोस्तों यदि सीट के बारे में बात की जाए तो सिंपल वन का जो सीट है वो काफी कंफर्टेबल है, और ओला से यदि कंपेयर किया जाए तो ओला से थोड़ा सा आपको छोटी देखने को मिलेगी, बट सीट काफी कंफर्टेबल है। यदि आप तीन लोगों को भी बैठाना चाहते हो तो इजिली आप बैठा सकते हो। और इस स्कूटर की जो सीट है वो एक्टिवा 5G जैसे आपको देखने को मिलेगी। आप जब स्कूटर में बैठोगे तो काफी कंफर्टेबल आपको फील होने वाला है। जब आप इमेज और वीडियो पे देखते हो तो आपको छोटा सा स्कूटर देखने को मिलता है, बट यदि रियल लाइफ में यदि आप स्कूटर को देखते हो तो काफी बल्कि देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जब आप लेग रूम में पैर रखने की जगह जो आती है उसमें भी काफी ज्यादा आपको जगह मिल जाती है। और कई लोगों ने ये भी कहा कि सिलेंडर आ सकता है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इस स्कूटर में सिलेंडर तो मैं अभी फिलहाल नहीं देखा कि सिलेंडर आ पाएगा या नहीं, बट ओला से बेटर आपको फुट रेस्ट यहाँ पास देखने को मिल जाता है, क्योंकि पूरा फ्लैट दिया गया है, जिससे इस स्कूटर में सिलेंडर शायद आ सके। अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि इस स्कूटर में सिलेंडर आता है या नहीं। सो दोस्तों यदि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछ सकते हैं, और यदि आपको टेस्ट राइडिंग मिली है या नहीं वो भी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। थैंक यू।